बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भट साहब के साथ हाजिर हैं, भट साहब और अब्दुल वसी उस्मानी। क्या हाल चाल है भाई, खैरियत से? साथ में तो आपको पता है मैं ही हूँ, तीन बिगाड़ी काम बिगाड़ी के साथ इस वक्त सिचुएशन। दिनों बाद बोले बहुत दिनों बाद, आज बहुत दिनों बाद जो है थोड़ा सा हमारी एक सिटिंग हुई है समझे, काफ़ी अर्से बाद अनीस भाई के घर। हाँ, और कुछ सुस्ती, हाँ, तो जिसकी वजह से ये मीटिंग नहीं हो सकी थी। बहरहाल आज काफ़ी एक हेल्दी मीटिंग हुई है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फरीद भाई वो क्या कहते हैं आप, तीन तिगाड़ी काम बिगाड़ी, वो दोबारा बैठे हैं और इंशाल्लाह इस वक्त काम बिगाड़ेंगे नहीं, काम संवारेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसे मनाई भाई आपने? बस ईद यार क्या, हमारे तो एक दिन डे ड्यूटी जो थी वो घर पे थी, नाइट ड्यूटी, ये बहुत बड़ा मसला जो है वो हमने ईद का दिन ऑफिस में गुजारा, उसके बाद दो दिन सो के गुजारे, बस ये हमारी ईद थी। अच्छा, मतलब मज़ा आया फैमिली के साथ, फिर भी एंजॉय किया ना डे? हाँ, फैमिली के साथ ये था, ईद का दिन हो गया लेकिन दूसरे दो दिन जो है वो ज़रा मुश्किल रहे क्योंकि एक सोने में गुजर गया, उसके बाद ईद ही खत्म हो गई। सर सोना सबसे कीमती है पता है, बस अल्लाह माफ़ करे कि 1,00,000 रुपए जो है ना तोला है। नहीं, ये जो जिस सोने की मैं बात कर रहा हूँ ना वो बहुत कीमती है, उसकी कीमत ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं है, बस उसके लिए लोग लाखों करोड़ों खर्च करते हैं फिर भी नसीब नसीब में होता, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जो है ना कुर्सी में ऐसे ही बिठा के जितना मर्जी चाहिए सर, वो हाजिर है भाई। मैं यही सुनना चाह रहा था कि ये सोना कीमती है, वो सोने की कीमत है क्या? तो इसके आपने वसी भाई से भी थोड़ी देर मजा थी भाई, क्या कहते हैं आप किस हवाले से गए, आपने कैसे दिन गुजारे, ईद की मुलाकात इतने दिनों के बाद हुई है सारे? ईद तो अब कहाँ, ईद रही कहाँ, हाँ लॉकडाउन कोविड के बाद तो ना ईद रही ना बकरीद रही, बिल्कुल है। अब तो ये है कि एक दो जगह पुरसे के लिए जाना था, हाँ वहाँ चले गए थे, बस वो भी दूर दूर रहे, ना किसी से ईद मिल सके ना कुछ, और बस छोटे जाते ईद गुजर। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, इस ये अगले साल जो ईद मनाएंगे ना वो बहुत मज़े की इंशाल्लाह मनाएंगे, इंशाल्लाह रमज़ान भी अच्छे गुजरेंगे, और मैं कहता हूँ अगले जो महीने आ रहे हैं वो भी बड़े मज़ेदार गुजरे, तो अल्लाह करे कि ईद उल अज़हा आ रही है। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बेहतर हो बस, और वही रौनक बाहर अल्लाह करे, और सबको अल्लाह पाक ईद उल अज़हा में जानवर खरीदने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो मान, सुन्नत इब्राहिमी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। भट साहब अब आप मुझे ले लें थोड़ी देर के लिए, मैंने आप थोड़ी देर के लिए मुझे ले लें, सॉरी मुझे अब संभाल लें। आपने इतनी 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 अच्छी अच्छी बातें की हैं कि अब मेरे पास कहने की कुछ गुंजाइश नहीं है, और मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इन लम्हात को कैप्चर करते रहें दोस्तों में, और जी जान को हमेशा याद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमारे दोस्त अहबाब हैं उन सब की फैमिलीज़ को मेरी तरफ़ से और तमाम दोस्तों की तरफ से। हम आजकल एक्वा के एक और बात, हाँ याद आई कि हम एक्वा बीच के बारे में बात करते रहते हैं, कि एक्वा जो है एक हमारा जो है बहुत अच्छा मोटो है, हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक वहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे, और वो एक हेल्दी स्पोर्ट से रिलेटेड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं इंजॉय करें, मज़े करें, और हम वहाँ पर इंशाल्लाह मुलाकात करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।